हेलो फ्रेंड्स, रोजा रोज कुजीन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चिकन आलू करी। इसके लिए मैंने 6 आलू इस तरीके से कट कर लिया है और इसको पानी में मैं भिगो के रखी हूँ। अगर मैं कट करके ऐसे प्लेट में रख दूंगी तो ये काला पड़ जाता है, इसीलिए हमेशा आलू को छीलकर पानी में भिगो के रखे जब तक आप नहीं पका रहे हो। और मैंने लिया है 1/2 kg चिकन पीस, इसको मैंने अच्छा से क्लीन कर लिया है। और यह है प्याज, 2 प्याज है कटी हुई। अब इसमें मैं मसाला दूंगी, 1 स्पून 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने हिसाब से दे, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, 1 स्पून चिली पाउडर, 1 स्पून एंड 2 स्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 2 स्पून, और इसमें डालना है दही। दही अगर आपका पास नहीं है तो लेमन जूस आप 1 स्पून दे दे, लेकिन इस टाइम मेरे पास है तो मैं दे रही हूँ। कोशिश करें कि इसमें दही जरूर डाले, 1 स्पून दही। अब इसको अच्छा से मिक्स करके 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके छोड़ दे। अच्छा से मिक्स करके 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है कवर करके। आलू का मैंने ड्रेन आउट कर दिया है पानी। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून चिली पाउडर और पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। इसको अच्छा से मैं इस तरीके से मिक्सअप कर लूंगी। अब इसको मैं फ्राई करूंगी। इसी टाइप का कलर जब हो जाए तब आलू को आप निकाल लें। देखिए ऐसा कलर होना चाहिए, ना काला ना एकदम से लाइट, इसी टाइप का कलर होना चाहिए। ये सख्त रह जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें इसको चिकन में फिर पकाना है। तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ, और इसी ऑयल में मैं चिकन पकाऊंगी, क्योंकि इसमें आलू का जितना भी टेस्ट है आ चुकी है। इस ऑयल को हमें फेंकना नहीं है, इसको इस्तेमाल कर लेना है चिकन के लिए। एक बड़ी सी कढ़ाई मैंने ले लिया है, खुली हुई बर्तन ले पकाने के लिए। अब जो ऑयल था पूरा ऑयल मैंने नहीं लिया है, सिर्फ 2 स्पून ऑयल मैंने लिया है कढ़ाई से। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी, प्याज डाल दिया मैंने। अब इसमें 1 दालचीनी स्टिक, 2 छोटी इलायची और 1 तेजपत्ता मैं डाल दूंगी। अब इसको मैं गोल्डन कलर तक फ्राई करूंगी। पांच मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब देखिए इसी टाइप का कलर आना चाहिए, ब्लैक नहीं हो जाए ख्याल रखना है। अब इसके मैं चिकन का पीस डाल दूंगी, जो मैंने मैरिनेट करके रखा है वो मैं डाल दूंगी। और इसमें जितना भी मसाला है सब उसको अच्छा से इस तरीके से डाल दूंगी, और मैं इसको 5 से 7 मिनट तक सब अच्छे से भुना करूँगी। पानी नहीं डालना अभी इसमें, इसमें दही मैंने दिया था ना तो उसका पानी अभी निकल आएगा खुद से, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी अभी नहीं देना है। फ्राई करना है, भुनाव करना है खूब अच्छा से, ताकि इसका जितना भी मसाला है प्याज में आ जाए। स्लो फ्लेम में फ्राई करना है। 5 मिनट हो चुकी है भुनाव करते करते। अब देखिए इसमें कितना सा ऑयल और मसाला जो भी है सेपरेट हो चुकी है। इसी टाइम मैं इसमें आलू डाल दूंगी, जो मैंने फ्राई करके रखा है आलू डाल दूंगी। आलू को खूब अच्छा से मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। 2 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूंगी ताकि आलू में मसाला आ जाए। 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। अब देखिए जब चिकन से इस तरीके से गोश्त निकलने लगे, साइड हो जाए, चिकन पीस अलग होने लगे, तो समझ ले कि हमारी भुनाव बहुत बेहतरीन से हो चुकी है। अब पानी डालने का टाइम है। हाई फ्लेम कर दूंगी गैस को मैं।
करके अब मैं इसमें पानी डालूंगी। 2 कप पानी मैं डाल रही हूँ इसमें। अगर आप थिक पसंद करते हैं तो उस हिसाब से पानी डालें। अभी तो इसको पकना है, जब इसमें एक उबाल आ जाए तब इसको स्लो फ्लेम करना है, क्योंकि आलू हाफ डन है, आलू को पकाना हमें। तो हम वेट करते हैं कि इसमें अच्छा से उबाल आ जाए और मैं इसमें लीड लगा दूंगी। एक उबाल आ चुकी है, अब मैं स्लो फ्लेम में कर दूंगी। 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी और बीच बीच में मैं हिला के देखूंगी कि ये सॉफ्ट हुई कि नहीं। अगर आलू सॉफ्ट हो जाए तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। अभी मैं फिर से कवर लगा देती हूँ, 10 मिनट बाद देखूंगी। बीच में एक दो बार मैं देख लूंगी। 10 मिनट हो चुकी है, मैंने 10 मिनट में 2 बार इसको चम्मच से हिला दिया है। देखिए आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। मुझे इस टाइप का ही रखना है। अगर आप लोग इससे भी पतला रखना चाहते हो तो इसमें 1 कप और पानी देके अच्छा से एक उबाल दे दे। और सॉल्ट अपना टेस्ट से देख लीजिएगा, और अगर चिली पाउडर और आपको ज़्यादा देना है तो और थोड़ा सा दे दीजिएगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो मैं इसमें अब कुछ नहीं डालूंगी। स्लो फ्लेम में भी नहीं रखना है, गैस को आपको ऑफ कर देना है जब उबाल आ जाए, अगर आप लोग पानी डालोगे तो। और अगर इसी टाइप का आप लोग को भी पसंद है तो इसको कवर देके गैस ऑफ करके 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दे, उसके बाद आप डिश आउट करें। चिकन आलू करी रेडी है। इसी तरीके से मेरे वीडियो को देख के एक बार जरूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में लिखिए आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। और एक बात है, आप लोग जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोगों ने अभी तक नहीं किए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।